Hello, assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today we will be discussing something more about the book of Hudson that we started to discuss as you know topics. तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर. अब एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे अगर हम कोई भी लिटररी बुक पढ़ेंगे तो उसमें वो कौन सी अज्जा हैं या वो कौन सी चीज़ें हैं जो मौजूद होती हैं, यानी कि उसके एलिमेंट्स क्या हैं या उसका जो बेस होता है वो क्या होगा. सो देर आर यू नो फोर एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर. हडसन बात कर रहा है कि जब भी हम किसी लिटरेचर की किताब को पढ़ेंगे यू कैन फाइंड इंटेलेक्चुअल एलिमेंट इन इट, इमोशनल एलिमेंट इन इट, एंड देन एलिमेंट ऑफ इमेजिनेशन एंड द एलिमेंट ऑफ कंपोजिशन आर स्टाइल. तो ये चार एलिमेंट्स होते हैं जब भी हम अंग्रेज़ी लिटरेचर या कोई भी दुनिया का लिटरेचर अगर हम पढ़ेंगे तो उनमें ये चार एलिमेंट्स होंगे. सो लेट्स डिस्कस समथिंग व्हिच इज़ कॉल्ड इंटेलेक्चुअल एलिमेंट. इंटेलेक्चुअल एलिमेंट से मुराद है कि आप जो अदब तख्लीक कर रहे हैं आप उसमें कोई ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं जो कि इंसानी जो अकल है या जो शऊर है उसकी बहुत जो ऊपर वाली सतह है उसको बुनियाद बना के अगर आप लिख रहे हैं तो देट वुड बिकम इंटेलेक्चुअल एलिमेंट. इंटेलेक्चुअल एलिमेंट से मुराद ये है कि यू राइट समथिंग रिलेटेड विथ लॉजिक, यू राइट समथिंग रिलेटेड विद यू नो different things about life, you talk and discuss and understand life on the basis of intellect, reason. तो मिसाल के तौर पे आप कोई भी अगर आप बुक पढ़ेंगे लिटरेचर की, नावल पढ़ें, ड्रामा पढ़ें, तो आप में आपको उसमें जो है वो इंटेलेक्चुअल एलिमेंट नज़र आएंगे. मिसाल के तौर पे यू मस्ट हैव रेड सम बुक और किसी राइटर ने कोई ऐसी अकल की बात की होगी कि आपका दिमाग खुद दंग रह जाएगा and you kept on thinking के what kind of thing he actually has written in this book. तो वो जो बात होती है वो intellectual level की होती है. तो मिसाल के तौर पे अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं या अगर आप लिटरेचर लिख रहे हैं तो लिटरेचर इज़ समथिंग इन विच यू ट्राई टू पुट सर्टेन इंटेलेक्चुअल एलिमेंट इन इट. सेकेंड वन इज इमोशनल एलिमेंट. अब देखें इमोशनल एलिमेंट क्या है. इन सेकेंड लेक्चर ऑफ व्हाट इज़ लिटरेचर उसमें हमने बात की थी कि जो दुनिया की एजुकेशन है वो जो दी जाती है एक हेड के लिए होती है और दूसरी हर्ड के लिए होती है. तो अब आपको पता है जो इमोशनल साइड है वो रिलेटेड होती है हमारे इमोशंस पर, हमारे जज्बात पर ना. तो जब हम बात करेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर से मुराद क्या है, एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर से एक मुराद ये भी है कि वहाँ पे आपने जो बात की होगी वो बहुत हेल्दी और अच्छे और ख़ूबसूरत इमोशंस पे बात की होगी. तो जब भी हम कोई अदब की किताब पढ़ते हैं मोस्टली जो शायरी की साइड पे आएगी तो आप देखेंगे कि दे टॉक अबाउट इमोशंस एंड फीलिंग्स. यू नो बंदा जो है वो जब उन किताबों को पढ़ता है तो वो उसके इमोशंस जो होते हैं वो उसको अट्रैक्ट करते हैं. ठीक. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेलेक्चुअल एलिमेंट मतलब आप लिटरेचर में कुछ ऐसा लिखें जो लॉजिकल हो, रीजनेबल हो. इमोशनल एलिमेंट मतलब आप कुछ ऐसा लिखें जो आपके जज्बात और एहसासात के बारे में हो. उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है उसको हम कहेंगे द एलिमेंट ऑफ इमेजिनेशन. अब एलिमेंट ऑफ इमेजिनेशन क्या है कि जाहिर सी बात है कि यू नो शायद हमने उस पर भी बात कर ली थी कि जब हम बात करते हैं साइंस पर तो साइंस ट्राई टू सी थिंग एज दे आर, लेकिन जब हम लिटरेचर की बात करेंगे दे ट्राई टू सी थिंग्स एज इट आर टू बी, या चीज़ें किस तरह होनी चाहिए. तो जब आप इस पर बात करते हैं कि चीज़ें किस तरह होनी चाहिए तो देन यू विल एक्चुअली ट्राई टू प्रोड्यूस यू नो अ काइंड ऑफ वर्ल्ड दैट इज़ इमेजिनरी, दैट इज़ यू नो यूटोपियन, दैट इज़ समहाउ वो आपको रियल में नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आपकी इमेजिनिंग पावर बहुत अच्छा है तो आप इस किस्म की चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं. और जो फोर्थ वन है उसको हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ कंपोजिशन. अब एलिमेंट ऑफ कंपोजिशन क्या है? नाउ सी एलिमेंट ऑफ कंपोजिशन से मुराद है द वे यू राइट
यू नो आप शायरी किस तरह लिख रहे हैं, आप ड्रामा किस तरह लिख रहे हैं, आप शॉर्ट स्टोरी कैसे लिख रहे हैं। तो टू बी प्रिसाइज अगर मैं आपको कहूँ कि आप जब भी अदब की कोई किताब पढ़ेंगे, ड्रामा पढ़ेंगे, शायरी पढ़ेंगे, ठीक है, नावल पढ़ेंगे, तो आपको एक किताब में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। उसमें आपको इंटेलेक्चुअल बातें, अकली दलाइल के साथ खूबसूरत बातें कही हुई मिलेंगी, आपके इमोशंस के बारे में, जज्बात और एहसासात के बारे में बहुत रिच और खूबसूरत बातें मिलेंगी। उसमें एक इमेजिनेशन की वर्ल्ड दी हुई होती है, आप उस पर डिस्कस करेंगे। और फोर्थ एलिमेंट है, ज़ाहिर है वो आर्ट या हम लैंग्वेज के बगैर या कंपोजिशन के बगैर जो है वो लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपको फिर स्टाइल ऑफ राइटिंग भी होना चाहिए। एंड देर आर सर्टेन राइटर्स इन द वर्ल्ड जिनका एक एक अपना स्टाइल है ना चीज़ों को लिखने का या बात करने का। सो रिमेंबर दिस व्हेन वी टॉक अबाउट एलिमेंट ऑफ लिटरेचर, व्हाई एक्चुअली पीपल टॉक अबाउट लिटरेचर, दे लव टू डिस्कस लिटरेचर, द रीज़न इज़ दिस। अब आपको पता है हम इंसानों के पास इंटेलेक्ट भी है, हम इंसानों के पास इमोशंस भी हैं, हमारे पास जज्बात भी हैं, इमेजिनेशन भी है, एट द सेम टाइम हमारे पास लैंग्वेज भी है। तो मैं आप अगर मुझे आप देख रहे हैं तो देर इज़ इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ माइंड, देन देर इज़ यू नो इमोशनल साइड ऑफ माइंड, एंड देर इज़ देन इमेजिनरी साइड ऑफ यू नो ह्यूमन ब्रेन, एंड देन द लैंग्वेज ऑब्वियसली दैट आई एम स्पीकिंग। तो ये सारी चीज़ें जब हम लिटरेचर में ले आते हैं तो ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें उस लिटरेचर में भी मौजूद होंगी। यहाँ पे जितने भी इंसान मौजूद हैं सब इंसानों में ये चार एलिमेंट्स मौजूद हैं, एंड इज यू नो लिटरेचर इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो ज़ाहिर है यू विल एक्सप्रेस समथिंग विच इज़ इंटेलेक्चुअल, यू विल एक्सप्रेस समथिंग विच इज़ इमेजिनरी, यू विल एक्सप्लेन समथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन इमोशंस एंड फीलिंग्स, एंड ऑब्वियसली जो आप वो लिखेंगे वो किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखेंगे। तो हम इनको ओवरऑल कहते हैं कि ये जो हैं ये एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी बात करें, दांते की जो बुक है द डिवाइन कॉमेडी, तो इट्स ऑल अबाउट यू नो इमेजिनेशन, द वे ही यू नो इंसानी रूह और फिर दोजख और फिर जन्नत और इन सारी चीज़ों की बात करता है। दिस इज़ यू नो 14th सेंचुरी लिटरेचर और इट्स फुल ऑफ इमेजिनेशन। अच्छा ये इमेजिनरी है बट यू कैन फाइंड सो मच विच मस्ट बी इंटेलेक्चुअल, सो मच दैट मस्ट बी इमोशनल, ओके, एंड इट इज़ ऑब्वियसली रिटन इन एनी लैंग्वेज। लेकिन जब हम इस किताब की बात करेंगे, द ब्रदर यू नो क्रामज़ोव, दिस इज़ यू नो रिटन बाय फेदोर दोस्तोव्स्की, इट्स ऑल अबाउट यू नो जब आप हम इसे पढ़ते हैं तो हमें इसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स मिलते हैं। तो अब अगर इसमें इंटेलेक्चुअल एलिमेंट है तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि इसमें इमेजिनेशन नहीं होगी या इसमें इमोशनल साइड नहीं होगी, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। कोई भी अदब की किताब जो हम पढ़ते हैं, लिटरेचर की किताब जो हम पढ़ते हैं, या इवन हम इंसान जो हैं, ज़ाहिर है हमें वही चीज़ अट्रैक्ट करेगी जो हमारे इंटेलेक्ट को हिट करे, हमारे इमोशंस को हिट करे और हमारी इमेजिनेशंस को हिट करे, ठीक है। इन सब को मिलाकर हम जो है वो क्या कहेंगे, द एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर, और ये सारी चीज़ें इन किताबों में मौजूद होती हैं टू डेवलप योर इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड इंटेलेक्ट। अब ये आप ये सवाल कर सकते हैं कि लाइक इस दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि एक आम बंदा है, उसके पास जहन भी है, उसके पास जज्बात भी हैं, उसके पास इमेजिनेशन है, ऑब्वियसली इसको कोई ना कोई ज़बान आती होगी, लेकिन फिर वो क्यों लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो याद रखें व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलेक्चुअल एंड एलिमेंट्स ऑफ इमेजिनेशन इन लिटरेचर, तो ये जो राइटर लोग होते हैं या जो लिखते हैं वो आम और सतही लोगों की जहन से बहुत आगे होकर लिखते हैं। वो कुछ ज़िंदगी को ज़्यादा गहराई से महसूस करते हैं, वो अपने एहसासात को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, और उनको लिखने का अंदाज़ भी आता है, उनके पास अपनी एक लैंग्वेज भी होती है। सो यू बीइंग आर्टिस्ट जिसके पास इमोशन, इमेजिनेशन और इंटेलेक्चुअल पे बात करने के लिए मटीरियल है, एंड यू बीइंग जस्ट अ कॉमन मैन, दो आपके पास भी इमोशंस हैं, आपके पास इंटेलेक्ट भी है, लेकिन जिस वे से, जिस गहराई से एक आर्टिस्ट ज़िंदगी को परसीव करता है वो आम आदमी शायद उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। तो दैट्स द रीज़न वो जब कुछ प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत खूबसूरत होता है, इफ़ इट इज़ इंटेलेक्चुअल,
बहुत ज़्यादा शानदार होता है, इफ़ इट इज़ इमोशनल, और बहुत ज़्यादा आ इंस्पायरिंग होता है इफ़ इट इज़ बेस्ड ऑन इमेजिनेशन एंड ऑब्वियसली स्टाइल और कंपोजिशन। अगर आपको लिखना नहीं आता तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर हम जब भी लिटरेचर को पढ़ेंगे या हम लिटरेचर की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे तो ये बात हमें जहन नशीन रखनी पड़ेगी कि लिटरेचर जिस चीज़ पे बात करता है वो हमारी इंटेलेक्ट होती है, वो हमारे इमोशंस होते हैं, वो हमारी इमेजिनेशन होती है, और वो मुख्तलिफ ज़बानों में और बहुत खूबसूरत अंदाज से लिखी जाने वाली चीज़ को कहा जाता है। सो होपफुली ये बात आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर से क्या मुराद है। और जब हम कोई भी नावल या ड्रामा या अगर कोई शायरी की किताब पढ़ें तो ये चीज़ें जहन नशीन रखें कि किस तरह हमारे इमोशंस को वो किताब पढ़ने से हेल्प मिल रही है, हमारे इमोशंस कैसे हेल्दी हो रहे हैं, हमारा जहन, हमारे इंटेलेक्ट कितना हेल्दी हो रहा है। ठीक है, तो इन सारे एलिमेंट्स को जो है वो मिलाकर हम एक खूबसूरत और बहुत अच्छा सा लिटरेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिमेंबर दिस, अगर हम शायरी की बात करेंगे इंटेलेक्चुअल एलिमेंट उसमें होगा लेकिन इमोशनल वो कुछ ज़्यादा होगी या इमेजिनरी कुछ बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप जैसे कि सोफियाज वर्ल्ड एक नावल है, यू विल फाइंड इट मोस्टली इट्स वेरी मच इंटेलेक्चुअल, राइट। लेकिन अगर आप रूमी की शायरी पढ़ेंगे, मुर्शिद लतीफ़ की शायरी पढ़ेंगे, इट्स फुल ऑफ इमोशंस एंड इमेजिनेशन। बट दिस इज़ वाट रियलिटी द लिटरेचर इज़। जब हम लिटरेचर को पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है हम इन ही चीज़ों के बारे में बोलने, सुनने और पढ़ने को जो है वो बहुत कुछ पाएंगे, बहुत सारा मटेरियल पाएंगे। एंड होपफुली ये अगर ये जो है एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर का टॉपिक बहुत आसान और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इफ़ नॉट, यू कैन लीव एनी कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन। इफ़ यू हैव एनी इंक्वायरी यू कैन। थैंक यू वेरी मच।